हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने बात कर ली थी, लास्ट लेक्चर में देखा था इतिहास में मौर्य साम्राज्य और सौंग साम्राज्य, सौंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। और इसी लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लास्ट में विदेशी आक्रमणकारियों का भारत आगमन। अब इसमें बात करने वाले हम लोग कुषाण वंश के बारे में। किसके? कुषाण वंश के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी लेक्चर ख़त्म होते जा रहे हैं वो सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए कुषाण वंश को देखते हैं हम लोग। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कोजुल कड़फीसिस ने 15 ईस्वी में की थी। कब की? सबसे पहले याद रखना है किसने की थी, कोजुल कड़फीसिस फीसिस ने 15 ईस्वी में। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीले के थे। कुजुल कड़फीसिस ने काबुल और कश्मीर में हरमुएस को हराकर अपना राज्य स्थापित किया। कुजुल कड़फीसिस ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। कुजुल कड़फीसिस के बाद बिम कड़फीसिस राजा बना 65 ईस्वी में। ठीक है, बिम कड़फीसिस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए। यद्यपि उनके ताम तथा रजत चांदी के सिक्के भी मिलते हैं, तथापि स्वर्ण सिक्के के की संख्या अधिक थी उनके काल में। ठीक, भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासनकाल में बढ़ी। तो याद रखना है आपको, भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए, जिनकी मात्रा सोने के सिक्कों की कुषाणों के शासनकाल में बढ़ी, अधिक रही। ठीक है, कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबे के दोनों ही प्रकार के सिक्कों को प्रचलित किया। बिम कड़फीसिस ने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की। बिम कड़फीसिस के सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियाँ खुदी थी। बिम कड़फीसिस शैव धर्म का कुमांडर था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बना। याद रखना, कनिष्क कब राजा बना? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया। शक संवत कब शुरू हुआ? कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में। यही आजकल भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। कई बार पूछ लेता है, याद रखना है आपको, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जो किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? कनिष्क के 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी। कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर वहां से विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात एवं एक अनोखा मुर्गा साथ लाया। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया था। ठीक, कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन के यारकंद, खोतान तथा कासगर की विजय थी। कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसे चीनियों से ली थी। आगे बात करते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। चौथरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो शाखाओं में बंट गया था ये। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में विभाषा शास्त्र पुस्तक लिखी गई थी।
कनिष्क के सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में थे। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति सैनिक वेशभूषा में है। बुद्ध के अवशेषों पर कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और एक मठ का निर्माण कराया था। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। पूछ लेता है कई बार कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो आपको याद रखना कनिष्क के, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सूत्रालंकार की रचना की। याद रखना अश्वघोष ने किस किस की रचना की, बुद्ध चरित और सूत्रालंकार की, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन अश्वघोष एवं वसुमित्र थे, ठीक है। इस समय कला की दो शैलियाँ थीं, एक मथुरा शैली एवं गंधार शैली प्रसिद्ध थी। मथुरा शैली और गंधार शैली। गंधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बौद्धिसत्व मूर्तियाँ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मथुरा शैली में अनेक स्तूपों, विहारों तथा मूर्तियों का निर्माण किया गया। गंधार शैली को यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक एवं शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। याद रखना प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक तथा शून्यवाद के का प्रतिपादक नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा। विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की थी। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। चरक ने चरक संहिता लिखी थी। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध का विश्वकोश किसे कहा जाता है, विभाषा शास्त्र को। कनिष्क को पुरोहित संगरक्षक था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। ये भी याद रखना है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव। वासुदेव शैव मतानुयायी था। उसकी मुद्राओं पर शिव तथा नंदी की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना कनिष्क ने की थी। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा जाता है था। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था। सेना में घुड़सवारी की दक्षता, सैनिक वेशभूषा एवं व्यूह रचना के क्षेत्र में कुषाणों ने भारत को नई जानकारी दी। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्को अंकित है, ठीक है। आगे देखते अश्वघोष की रचनाओं की पांडुलिपियां मध्य एशिया के तुरफान से मिली हैं। चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों को मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग से संपन्न होता था। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार कला के अंतर्गत हुआ है। पतंजलि ने मथुरा से सटका नामक वस्त्र पाए जाने का उल्लेख किया है। भारत में इथोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था। तक्षशिला विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है।
तो ये था हमारा कुषाण। आगे हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश, आगे बात करेंगे हम लोग संगम के बारे में, संगम युग, ठीक है, संगम युग।